आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एप्पल मफिन, जो बच्चे खुश हो जाते हैं। और केक खाना सभी, बच्चे हो या बड़े, सभी को पसंद होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। हमने लिया है 1 कप आटा, ये वही आटा है जो हम रेगुलर रोटी खाते हैं बनाकर। और उसके लिए हम यहाँ कटा हुआ सेब लेंगे, कितना, 1 कप और 1/4 कप। आप चाहें तो सेब को काट लें या तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। सेब हम अभी इसलिए नहीं काट के रखे हैं ताकि ये काले पड़ जाते हैं, लास्ट में काटेंगे। चलिए, वही हम लिए हैं 1/4 स्पून दालचीनी पाउडर और 1/2 कप लिए हैं हनी। हम हनी ले रहे हैं, यहाँ चाहें तो आप चीनी को मेल्ट करके गैस पे ले सकते हैं 1/2 कप, या नहीं तो चीनी का पीस के पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। 1/2 स्पून नमक ले रहे हैं और 1/2 स्पून विनेगर ले रहे हैं और 2 बड़े चम्मच दही ले रहे हैं। 1/2 स्पून जाएगी बेकिंग सोडा और वनीला एसेंस भी 1/2 स्पून लेंगे। और हम लिए हैं 3 कप बटर, जिसको हमें मेल्ट करके लेना है। एक बड़ा सा बाउल लीजिए, कोई भी बड़ा पॉट हो, उसमें हम यहाँ 1 कप जो आटा लिए हैं वहाँ हम आटा डाल देंगे। आटे में हम बेकिंग सोडा डाल देंगे, कितना, 1/2 स्पून डाल देंगे, बहुत छोटे स्पून से। और दालचीनी पाउडर डाल देंगे और वही नमक डाल देंगे। सभी चीज़ को, मिश्रण को इसे छान लेंगे। चलिए देखिए, छानने के बाद कुछ अवशेष बच गए, इसको हमें डस्टबिन में फेंक देना है। चलिए, हमने तड़का पैन में 3 चम्मच बटर लिए हैं, इसको हम मेल्ट कर लेते हैं। जब तक बटर मेल्ट हो रही है, पिघल रहा है, तब तक हम सेब काट लेते हैं। चलिए, हमने सेब को अच्छी तरीके से छील लिए हैं, इसके छिलके को हम हटा लेते हैं। अब एक ग्रेटर लीजिए और ग्रेटर में ये जो ये वाला भाग है, इससे हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। एप्पल को ग्रेट कर लिए कुछ इस प्रकार और फटाफट सभी को मिक्स कर लेते हैं। अब हम डाल देंगे एप्पल, विनेगर जाएगी, हनी, जो हमने बटर मेल्ट करके रखा है 3 स्पून, 3 स्पून अभी डाल नहीं रहे ताकि इसमें ज़्यादा गीला ना हो जाए बटर, इसलिए। और 1/2 स्पून वनीला एसेंस डाल रहे हैं, इससे जो होती है कोई भी केक में इसकी स्मेल नहीं आने देती है। और हम डालेंगे दही, सभी को विस्कर की सहायता से फेंट लेते हैं, चाहे तो आप स्पून की सहायता से भी फेंट सकते हैं। अब हम यहाँ पर दही और डाल देते हैं, बैटर क्योंकि सूखा लग रहा है, और हम 3 चम्मच लिए थे सारा बटर, इसमें डाल दें। कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए, मतलब बहुत गाढ़ी नहीं, बहुत थिनी। अब थोड़ी सी और टाइट लग रहा है, तो हम जितना हनी था सारे डाल रहे हैं। ध्यान रहे इसमें पानी नहीं डालना है आपको। आप दही के जगह अंडे भी ले सकते हैं, कितना, 2 अंडे ले लिया है। ये ग्लास की कटोरी है, आप यहाँ टिन भी ले सकते, कप जो आती है एल्युमिनियम की, वो भी ले सकते हैं। हम इसको तेल से ग्रीस कर लेते हैं। आज हम इसे ओवन में बना रहे हैं, इसलिए हम ये कटोरी का प्रयोग कर रहे हैं। तेल से हमने ग्रीस कर लिया, सभी में बैटर डाल देंगे, कितना, ताकि इतना हम मीठा सोडा डालें, बेकिंग सोडा 1/2 1/2 डालेंगे ताकि ये फूलेगी जाके वहाँ। जब आप डाल लें तब इसे अच्छी तरीके से इसे थपथपा के इसे टैप कर लें। अब इसे प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। क्या भी? चलते हैं ओवन के पास। हमने उतना बनाया था, हमारे पास बैटर कम नहीं पड़ा और ज़्यादा भी नहीं। अगर आपका बैटर बच जाता है पेस्ट, तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में 2 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और नेक्स्ट डे बना सकते हैं।
अब हमने इसको निकाल लिया है और ये बेक हो चुकी है, ग्लव्स से निकाल के, गर्म है काफ़ी। अब हम इसे सर्व कर रहे हैं इस पता करने के लिए कि पकी कि नहीं, चाकू या टूथपिक के नोक से सेंटर पे चेक कर सकते हैं। चिपक रही है तो पता चलेगा कि नहीं पकी है, और नहीं चिपक रही है तो पक चुकी है। अब हम इसे हानी से सर्व कर रहे हैं। आप आटे की जगह मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं और हनी की जगह चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास कटोरी था इसलिए हमने बना लिया, आप इसे मोल्ड में भी बना सकते हैं। चलिए इसी तरह बनाइए, इसे एंजॉय कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे तो कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।